नहीं है जब नीतीश जेपी का साथ छोड़ा। इससे पहले वो 2013 में भी बीजेपी से अलग हो गए थे और उन्होंने बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था। कहा जाता है कि नीतीश के 2013 के फैसले की वजह नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव के लिए पीएम पद का उम्मीदवार बनाना था, जिसके बाद नीतीश ने 2015 में आरजेडी से दोस्ती की, लेकिन 20 महीने में ये दोस्ती टूट गई और नीतीश की एनडीए में वापसी हो गई। यही नहीं, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया विधानसभा चुनाव एनडीए ने जीत लिया, लेकिन पुरानी जीत और 2020 की जीत में एक बड़ा फर्क था और वो फर्क था सीटों का, क्योंकि 2020 में बीजेपी ने 243 विधानसभा सीटों में 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीती, जबकि जेडीयू को 115 सीटों पर लड़ने का मौका मिला और वो केवल 45 सीटों पर ही जीत पाई। यानी बिहार की जनता ने इस बार एनडीए में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका ही बदल दी। प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े गए चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन उसने अपना वादा निभाया और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश ने इन सारी वादों को दरकिनार कर दिया और करीब 2 साल बाद बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया, जिसे बीजेपी नेता धोखा बता रहे हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव में बीजेपी ने खुद कम सीटों पर चुनाव लड़ा और जेडीयू को अधिक सीटें दी। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश बिहार में जेडीयू को बीजेपी से बड़ी पार्टी समझते थे, लेकिन चुनाव के नतीजों ने उनका भ्रम तोड़ दिया, क्योंकि 2015 में 101 सीटें जीतने वाली जेडीयू इस बार केवल 45 सीटें ही जीत पाई। यही नहीं, उसका जीत का प्रदर्शन भी खराब रहा और उसकी जीत का स्ट्राइक रेट 71 से घटकर 39% पर सिमट गया। यानी जितनी सीटों पर वो लड़ी उनमें से सिर्फ 39% पर वो जीत पाई, जबकि बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हुआ और वो 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीत गई, यानी उसकी जीत का स्ट्राइक रेट 67% रहा। नीतीश के अलग होने के बाद बीजेपी नेताओं ने उन्हें यही आंकड़े याद दिलाए। बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। मतलब ये कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वाले और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ दिया है और उस पार्टी के साथ चले गए जिसने उन्हें पलटू और भ्रष्ट नेता कहा था।